जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे में। और आपके समक्ष मैं पंडित बी एन शास्त्री एक नई राशिफल के साथ 12 राशियों में अंतिम राशि मीन राशि के साथ। तो कैसा रहने वाला है नवंबर का महीने में मीन राशि का राशिफल, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। और इसके साथ साथ आप लोगों को हमारी संस्थान की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी का आशीर्वाद, बाबा शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, आपका आने वाला समय सुख समृद्धि के साथ भरा रहे, ये मेरी आशा है। और माता रानी से मैं विनती भी करूँगा कि आपके परिवार पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। और अगर आप लोग, जो कि हमारा एक विशेष कार्यक्रम है दिवाली पर, आप सभी जातकों के लिए, जजमानों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, देश विदेश जहाँ से भी, जो क्योंकि हमारे इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर भी बहुत सारे जजमान हैं, तो सभी जजमानों के लिए हमारी संस्थान में एक पूजा का आयोजन है दिवाली पर। तो अगर आप लोग कराना चाहते हैं, जो कि निःशुल्क पूजा की जा रही है, तो आप अपनी डिटेल हमें भेज सकते हैं, हम आप लोगों की पूजा भी कराएंगे उसमें। तो ये आप लोगों के लिए मेरी एक विनती रहेगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं विनती करता हूँ आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को सही और सटीक जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से दे सकें। चलिए तो बात करते हैं मीन राशि के राशिफल के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मीन राशि में इस माह गुरु का मकर राशि में राशि परिवर्तन होने जा रहा है, और मीन राशि के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु। तो गुरु शनि की राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 20 नवंबर के बाद। तो 20 नवंबर से थोड़ा सा आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए, समय अच्छा नहीं है, कष्टकारी रहने वाला है। तो जो भी आपके बड़े काम हैं, बड़ी चीज़ें हैं, कोई नया कार्य आप कर रहे हैं, कोई मकान आप खरीद रहे हैं, कोई वाहन आप खरीदना चाहते हैं, तो कोई पेपर वर्क आप करना चाहते हैं, कोई डील आप करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप 20 नवंबर से पहले वो चीज़ें समाप्त कर लें, ताकि आपके उसके बाद, क्योंकि समय आपके पक्ष में नहीं है, भाग्य आपके साथ नहीं देगा, तो उसके बाद वो चीज़ें ना करें, अन्यथा आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है या चीज़ें आपके पक्ष में नहीं रहेंगी। तो मीन राशि के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, तो स्वास्थ्य के बारे में। तो मीन राशि का नवंबर के माह में स्वास्थ्य कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है, डगमगाई स्थिति में नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंता टेंशन लेने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में बहुत समस्याएं आपकी बन रही हैं, बहुत स्थिति गड़बड़ा सकती है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है मीन राशि वाले जातकों को। तो आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। पहले से कोई बीमारी अगर आप पे है, कोई स्वास्थ्य खराब चल रहा है पहले से, तो आप जल्द से जल्द उसको ट्रीटमेंट कराएं, अच्छे डॉक्टर से परामर्श करें, योग करें आप, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, अन्यथा आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है नवंबर के माह में। तो इसके बाद अगर हम बात करें नौकरी के बारे में, कैसी रहने वाली है मीन राशि वालों के नौकरी की स्थिति, तो नौकरी की स्थिति मजबूत और प्रबल स्थिति में नजर आ रही है। नौकरी में धन आपको मिल सकता है, बॉस आपसे खुश रहेंगे, आपके काम किए गए कामों से बॉस आपसे प्रभावित रहेंगे, बॉस आपका आगे के लिए नामांकन भेज सकते हैं पद प्रमोशन के लिए, बॉस की तरफ से आपको एक सपोर्ट भी रहेगा, बॉस आपको हर कार्यों में सपोर्ट भी करने जा रहे हैं नवंबर में। और अगर आप, नौकरी नहीं है आप पे और नौकरी आप ढूंढ रहे हैं, तो 15 नवंबर के बाद आपके नौकरी के योग बन रहे हैं, 15 नवंबर से पहले आपके नौकरी के योग नहीं बन रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम व्यवसाय की स्थिति की बात करें, तो व्यवसाय की स्थिति अच्छी रहने वाली है। थोड़ी सी कठिनाई जरूर रहेंगी, पार्टनरशिप के साथ आपको धोखे के योग बन रहे हैं, पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल सकता है, आपके पार्टनर और आपकी किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकती है और आप दोनों अलग हो सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। आपके सहकर्मी या आपके जूनियर जो आपके ऑफिस में काम करते हैं वर्कर्स, वो आपकी कंपनी नवंबर माह में छोड़ सकते हैं, जिसका कारण आपका अपना क्रोध और आप अपने जो आपके कर्मचारी हैं उनके साथ आपका जो संबंध है वो उतने अच्छे नहीं है, जिसके कारण वो आपके ऑफिस या आपकी कंपनी छोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने जो नीचे आपके वर्कर्स हैं, आपके एम्प्लॉई हैं, उनके साथ थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करें, उनके साथ आप अपना नेचर, अपनी बातें शेयर करें, जिससे उनके साथ आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आपकी कंपनी में प्रॉफिट रहे। इसके साथ साथ अगर आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो आयात निर्यात का है, या आप कमीशन बेस व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ है। अगर आपका व्यापार आपकी वाइफ के नाम पर है, मैं आपको कहूँगा अगर आप अपने वाइफ के नाम पर बिजनेस करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कोई सी भी राशि उनकी है, पर अगर आपका व्यापार आपकी वाइफ के नाम पर है, तो उसमें आपको धन अच्छा रहने वाला है। तो व्यापारियों के लिए समय सही रहेगा।
अगर आर्थिक रूप से मैं बात करूं तो आर्थिक इनकम में आपके कुछ कष्ट नजर आ रहे हैं, पैसा आपका फंस सकता है, पैसा कहीं मर सकता है आपका, दूसरे के हाथ में दिया गया धन आप सोच रहे हैं नवंबर में वापस आ जाए, तो वो नवंबर में वापस नहीं आएगा। तो धन की तरफ से आपको चिंता का विषय है, धन आपको टेंशन मिल सकती है, आर्थिक रूप से परेशानी आपके अंदर रह सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं और प्रेम संबंध की बात करूं तो दोनों ही चीज आपकी अच्छी है, प्रेम संबंध भी और दाम्पत्य जीवन भी। नए विवाह के आपके योग बन रहे हैं, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं, जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेगा, संबंध भी स्ट्रोंग दिखाई दे रहे हैं। संतान सुख की मैं बात करूं तो संतान सुख में कठिनाइयां जरूर हैं, संतान की तरफ से आपको चिंता करने की आवश्यकता है, संतान के किए गए गलत कार्यों से आपको नुकसान हो सकता है, आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिससे आपको और आपके परिवार को नुकसान भोगना पड़ सकता है, तो संतान पर आप ध्यान रखें। हो सके तो 20 नवंबर के बाद आप संतान को गाड़ी ना दें, अगर आपकी संतान मैच्योर नहीं है, 18 वर्ष से आयु से बड़ी नहीं है, तो आप उनको कोई भी वाहन चलाने को, स्कूटर बाइक गाड़ी ना दें जिससे कि वो सही रहे और आप भी सही रहें, क्योंकि आपकी संतान नवंबर के माह में कोई भी गलत डायरेक्शन में जा सकती है, कोई गलत चीज़ें वो कर सकती है, अत्यधिक नशे में पड़ सकती है वो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, और साथ ही साथ आपको अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि नवंबर के माह में आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी है वो दोनों ही एक दूसरे से क्लैश करेगी, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करेंगी, जिससे आपकी ऊर्जा गलत चीज़ों में जा सकती है, आप गलत डिसीजन कोई ले सकते हैं या आप नशे अधिक कर सकते हैं, जैसे आप मदिरा पान अधिक करने लग सकते हैं, आप स्मोकिंग ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसका आपके स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम आप बात करें आपकी परिवार के बारे में तो परिवार के साथ स्थिति अच्छी है, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहने वाले हैं, भाई बहनों के साथ आप समय भी व्यतीत करेंगे इस माह, और आप अपनी ससुराल में किए गए, आपके अगर ससुराल पक्ष में कोई समस्या चल रही थी आपकी, उनसे नहीं बन रही थी, तो नवंबर के माह में आपकी ससुराल की तरफ से भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, तो आपके पारिवारिक रूप से संबंध अच्छे रहने वाले हैं और उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ कोई अनचाहा धन जो आपने अनएक्सपेक्टेड है, आपने सोचा नहीं है, वो आपको मिल सकता है, कोई पैसा आपका पुराना कोई पैसा था जो आया, कोई प्रॉपर्टी थी जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे बिक जाए नहीं बिक पा रही है, सेल नहीं हो पा रही है, तो नवंबर के माह में वो प्रॉपर्टी भी आपकी बिक सकती है, यानी फंसी हुई प्रॉपर्टी भी आपकी सेल हो सकती है जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो नवंबर के माह में मीन राशि के लिए इतना ही, मिलते एक नई चीज़ के साथ, एक नई राशिफलों के साथ, मैं पंडित बी एन शास्त्री आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपके समक्ष मैं फिर से उपस्थित होऊंगा कुछ नई चीज़ों के साथ, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल में बेल आइकन को ऑल पर जाकर ऑन नहीं किया है तो उसे ऑल पर जाकर ऑन रखें, ताकि आपको सारी जानकारी आपके समक्ष मिलती रहे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जय माता दी।